केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त से ही लगातार वो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया की मौजूदगी बरकरार है। चार दिनों में लगभग 15 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर चुके हैं और ना सिर्फ दौरा किया है बल्कि सभाओं को भी संबोधित किया है। क्या सिंधिया लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मौजूद थे। उन्होंने लगभग हर एक समुदाय की सभा ली, हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए सिंधिया नजर आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी लगातार सिंधिया की मौजूदगी ग्वालियर चंबल में देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अक्सर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। हाल ही में आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताबड़तोड़ चार दिनों में 15 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की हैं। आपको बता दें कि सिंधिया के दौरे को लेकर ये माना जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया सक्रियता बढ़ा रहे हैं ताकि लोकसभा चुनावों तक एक मजबूत टीम तैयार की जा सके। दर्शकों को बता दें कि बीते चार दिनों में ग्वालियर चंबल की 15 विधानसभा सीटों पर वो पहुंच चुके हैं और ये कवायद ग्वालियर चंबल में बीजेपी को और मजबूत बनाने और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए देखी जा रही है। दर्शकों को बता दें कि पिछले चार दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने गुना, मुंगावली, चंदेरी, पिछोर, शिवपुरी, कोलारस, करैरा, भीतरवार, सेवड़ा, लहार, महगांव, भिंड, सबलगढ़, सुमावली और ग्वालियर 15 में धन्यवाद सभा और विकसित भारत कार्यक्रम का में भागीदारी की और साथ ही साथ जनता को संबोधित भी किया। इन सभाओं में केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर जनता को धन्यवाद दिया। यहां आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही सक्रियता सिंधिया की ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखने को मिली थी, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में सिंधिया सफल साबित हुए थे। गोविंद सिंह लहार की लहार विधानसभा सीट, जहां से गोविंद सिंह अजय माने जाते थे, वहां से उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिस तरीके की मौजूदगी और जिस तरीके से एक्टिव मोड में सिंधिया फिलहाल ग्वालियर चंबल में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि एक तरफ जहां सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी को और मजबूत करेंगे, वहीं लोकसभा चुनावों की तैयारियों में वो लग चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, कहां से बीजेपी उन्हें मैदान में उतारती है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।